गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज आप लोगों का, अभी आप लोगों का इंग्लिश क्लास है। हम आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाएंगे, लेसन वन पढ़ाएंगे, जो कि है लेटर्स एंड वर्ड्स। लेटर एंड वर्ड्स में हम पढ़ेंगे लेटर। लेटर क्या है? इंग्लिश में जो लेटर है उसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। द ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। लेटर का जो ग्रुप है उसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। टोटल अल्फ़ाबेट कितना है? 26। टोटल अल्फ़ाबेट कितने हैं? 26 हैं, जिसमें वॉवेल्स हैं ए ई आई ओ यू, कुल 5। कुल 5 जो है वॉवेल्स हैं, और रेस्ट जो है 21 वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। अब आप पिक्चर को देखेंगे, देखिए क्या कह रहा है। कुछ बुक को देखें और उसके बाद हम पिक्चर को देखें। जैसे देखिए, द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 26, वी कैन राइट दिस लेटर इन टू वे। ये इसे हम दो तरीके से लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। ये कैपिटल लेटर आप देखेंगे ए बी सी डी, इसे अपर केस लेटर भी कहते हैं, चूँकि ये इंग्लिश के जो कॉपी होती है 4 लाइनों की, उसके ऊपरी 3 लाइनों पे लिखा जाता है। और स्मॉल लेटर मोस्टली जो है 2 लाइन पे, बीच वाले 2 लाइन पे या नीचे वाले लाइन पे लिखा जाता है, तो इसे लोअर केस लेटर कहते हैं। लोअर केस अल्फ़ाबेट या लोअर केस लेटर कहते हैं। तो और इसमें हम लोगों ने अभी पढ़ा कि ई आई ओ यू ये 5 जो है वॉवेल हैं, बाकी जो है रेस्ट जो है बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। अब देखिए, लेट डू, इसे अब हमें करना है। इन सब को हमें करना है। हम आज जो है 1 और 2 करते हैं, और बाकी 3, 4, 5 आप लोग करेंगे, फिर हम कल इसे बोर्ड पे करेंगे। फर्स्टली आप लोग करेंगे, उसके बाद कल हम इसे करेंगे। तो आप देखिए, ये हम लोगों ने किया है। मौलाना क्या कर रहे हैं? सही है, यहाँ पर रिचार्ज होता है भाई, तो भाई जान है कि नहीं? क्लास ले रहे हैं अब, क्लास ले रहे हैं। अच्छा चलिए, बंद की। तो देखिए, क्लास इंग्लिश अल्फाबेट 26 हुए, वॉवेल्स जो है ए ई आई ओ यू 5 हुए, कंसोनेंट 21। अब पिक्चर को देखिए, इसमें पिक्चर है, चटाई का पिक्चर है, और एम डैश और टी दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? एम ए, है ना, एम ए टी मैट। उसके बाद देखिए, जाल है, जाल का फोटो है, और नीचे लिखा हुआ है एन डैश टी, तो इसमें क्या हो जाएगा? नेट, एन ई टी नेट। उसके बाद देखिए, सूरज का फोटो है, तो सूरज का इंग्लिश क्या होता है? सन, तो क्या स्पेलिंग होगा? एस यू एन, यही होता है ना। उसके बाद देखिए, क्या है? डॉग, डॉग का स्पेलिंग क्या होता है? डी क्या? ओ, डी ओ जी, डॉग, ये होता है ना। आगे देखिए, क्या है? निब, निब का स्पेलिंग बताएंगे क्या होता है? एन आई बी, हाँ एन आई बी, निब, ठीक है। उसके बाद देखिए, क्या है? पॉट है, बर्तन है, ये सुराई जो होता है, ये क्या है? पॉट, पॉट मीन्स बर्तन होता है ना, है ना, पॉट मीन्स बर्तन होता है, तो स्पेलिंग क्या होगा? पी ओ टी, पी ओ टी, पॉट, यही होगा ना। अब उसके बाद क्या है? टोपी, हैट मीन्स टोपी होता है ना, हाँ, तो स्पेलिंग क्या होगा? एच ए, है ना, एच ए टी, हैट। उसके बाद देखिए, ये क्या है? टिन, टिन का स्पेलिंग क्या होगा? दिमाग पे जोर देकर बताइए, टिन, क्या? टी आई, हाँ, एन, टी आई एन, टीन। अब देखिए आगे क्या है? रीअरेंज द लेटर्स करेक्टली टू नेम द पिक्चर्स।
रीअरेंज द लेटर्स करेक्टली टू नेम द पिक्चर्स। देखिए कुछ तस्वीर दिया हुआ है और कुछ लेटर दिया हुआ है। ये देखिए बिल्ली का फोटो दिया हुआ है, नीचे लिखा हुआ है ATC। तो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, क्या, कैट। तो कैट का स्पेलिंग क्या होता है, CAT, कैट। इसे हमने रीअरेंज कर दिया। उसके बाद बॉय का पिक्चर है, तो बॉय का स्पेलिंग क्या होता है, BOY, बॉय। उसके बाद पेन का पिक्चर है, तो पेन का क्या होता है स्पेलिंग, PEN, पेन। उसके बाद डॉल का पिक्चर है और इसका स्पेलिंग क्या होता है, डॉल का, DOLL, डॉल। उसके बाद शिप है, शिप का स्पेलिंग SHIP, शिप, यही होता है ना। उसके बाद देखिए फ्लैग है, फ्लैग क्या है, झंडा है। झंडा का अंग्रेजी क्या होता है, फ्लैग। फ्लैग का स्पेलिंग FLAG,